हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है जिसके कारण इसका जो नाम है वो चांद वाली अम्मा रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था, घर के काम काज उसे खुद ही करना पड़ते थे। ठीक है, एक दादी थी जो कि अकेली रहती थी और उसके साथ कोई भी नहीं रहता था, और घर के जितने भी काम होते थे वो अपने आप ही करती थी, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। ठीक है, उसके साथ एक परेशानी थी, जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता था, पर जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ठीक है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। घूर कर देखने का मतलब है गुस्से से देखना। ठीक है, जब आपको आपके घर वाले या आपके बड़े भाई बहन गुस्से से देखते हैं, जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आसमान करता था। ठीक है, जैसे ही अम्मा उसे घूर कर देखती थी तो वो थोड़ा सा डर जाता था, हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता, मतलब वो फिर से अम्मा से टच हो जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। ठीक, अम्मा ने ना आओ देखा ना ताव देखा और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, मतलब जैसे ही वो झुकी थी, आसमान ने फिर से अम्मा को टच करा था, तो अम्मा ने क्या किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, बिना सोचे समझे आसमान को एक झाड़ू की मार दी। आसमान झट हट गया। ठीक है, मतलब एकदम से जो आसमान था वो पीछे हट गया। वह भी अपनी आदत से मजबूर था, क्योंकि वो अम्मा को चिढ़ाता रहता था, अम्मा को छेड़ता रहता था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उसे उस पर वार किया। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आसमान है और यहाँ पे अम्मा है। ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी है, तो हो सकता है उस टाइम जो आसमान है बहुत नज़दीक होगा। ठीक है, तो उस समय की ये कहानी है। तो आगे देखते हैं, तो जैसे ही अम्मा ने आसमान को मारा, आसमान को शरारत सूझी। ठीक है, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला हिस्सा अम्मा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आसमान ने एक तरफ से आसमान ने पकड़ा हुआ है और एक तरफ से अम्मा ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। अम्मा के पास क्या था, अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। ठीक है, तो आसमान को बोलने लगी कि मेरा झाड़ू छोड़, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई बूढ़ी अम्मा जो थी वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगे। देखो, अम्मा के घर यहाँ पे है और अम्मा को आसमान कहाँ तक उड़ा के ले गया है। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अरे आसमान, आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने कहा कि अब तो मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा, अब आप वहीं पे झाड़ू लगाना। अब देखिए, आसमान जो है अम्मा को ऊपर ले गया है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर झाड़ू छोड़ती तो अम्मा गिर सकती थी और मर भी सकती थी। ठीक है, तभी उसे वहां चांद दिख गया। जैसे ही आसमान को अम्मा आसमान जो है अम्मा को ऊपर ले जा रहा था, वैसे ही अम्मा को वहां पे चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी, उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई,
यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं, ठीक है। तो उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, तो इसे मैं यहीं पे रहने देता हूँ, आसमान ने ये सोचा। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया झाड़ू? आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो कहानी है ये तारा निगम के द्वारा लिखी गई है, चांद वाली अम्मा, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि किस तरह से जो अम्मा है वो अकेली रहती है और आसमान जो है कैसे उसको अपने साथ ले जाता है और चांद पे छोड़ देता है। इसके बाद अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शुरू करते हैं, फर्स्ट है तुम्हारी कल्पना से। आपने अपनी कल्पना से ये लिखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूंगी, आपने अपने हिसाब से ये लिख लेना है क्योंकि हमने स्टोरी जो है वो पूरी अच्छी तरह से पढ़ ली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी, ठीक है। तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा, वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी, ठीक है। आगे है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था, ठीक है। आगे है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा, ठीक है। जो हमने पीछे स्टोरी पढ़ी उसमें हमने देखा, उसमें जो पिक्चर्स हैं उनको देख के बताना है आपने कि उनके साथ कौन कौन रहता होगा। तो चांद वाली जो अम्मा थी वो बिल्कुल अकेली रहती थी, ठीक है। बूढ़ी अम्मा के साथ कोई भी नहीं रहता था, उसके साथ केवल बादल, तितली, आसमान, झाड़ू इत्यादि रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आसमान को अम्मा के साथ शरारत करने में मज़ा आता था। पहले के समय में आसमान इतने ऊंचे नहीं हुआ करते थे, आसमान नज़दीक हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर अम्मा जो थी वो आसमान, तितली और पेड़ पौधे, ठीक है, बादल, इन सब से बातें किया करती थी और जो बादल, आसमान, तितली, पेड़ पौधे थे वो भी अम्मा को चिढ़ाया करते थे, वो उनके साथ में रहा करती थी। इसके बाद है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है घबरा कर, तो देखते हैं बूढ़ी अम्मा ने घबरा कर आसमान को क्या कहा होगा। तो बूढ़ी अम्मा ने आसमान को घबरा कर ये कहा होगा कि अरे बेटा क्या कर रही हो। आगे है गिड़गिड़ाकर, तो गिड़गिड़ाकर कहा होगा, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अब देखते हैं कि अम्मा ने गुस्से में क्या कहा होगा। तो अम्मा ने गुस्से में कहा होगा, तू छोड़ता है या नहीं। आगे है तरकीब सूझने पर, जब अम्मा को तरकीब सूझी तो उसने क्या कहा होगा, बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगी, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ठीक है। इसके बाद है घूरना। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है कि जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है तो मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो आगे आपने बताना है कि जब आपके पापा आपको घूरकर देखते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आपके शिक्षक आपको घूरते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आपकी बहन भाई आपको घूरकर देखते हैं तो आप क्या कहते हैं, वो घूरकर देखकर क्या कहते हैं, ठीक। मेरे पिताजी मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ, ठीक है। मेरे शिक्षक मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरी बहन या मेरा भाई मुझे तब घूरकर देखते हैं जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ, ठीक है। इसके बाद है दम लगा के हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। तो इसमें आ जाएंगे खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। आगे है साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है।
किन-किन मौकों पर तुम्हारे घर में सारा सामान हटाकर खूब जोरों शोर से सफाई की जाती है। तो ये करेंगे हम, शुरू वाला करते हैं। घर की सफाई करने में किन-किन चीजों का इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश। ठीक है, किन-किन मौकों पर तुम्हारे घर में सारा सामान हटाकर सफाई की जाती है? तो नवरात्रि हो गए, दीपावली हो गई, होली हो गई, या शादी है किसी की, जन्मदिन है, इन सभी मौकों पर सफाई करी जाती है। तो आगे है, ये मौके खास क्यों होते हैं? आपने अपने आप देखना है कि जो फेस्टिवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, इन पे ही क्यों सफाई की जाती है। तो आपने अपने शब्दों में लिखना है। आगे है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे सफाई के काम से जुड़ा हुआ शब्द दिया है इन्होंने, झाड़ना, तो और भी क्या शब्द हो सकते हैं? धोना, पोंछना, रगड़ना, चमकाना। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसके यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।